हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, चलो मेरा नाम है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से हमें पढ़ना है। चलिए, यहाँ पे फ्रैक्शन हम पढ़ रहे थे। फ्रैक्शन में हमें क्या देखना है, देखिए क्या लिखा है। व्हाट फ्रैक्शन गिवन द सर्किल इन द गिवन क्लाउड? तो सर्किल हमें चेंज करना है, लेकिन हमें पहले फ्रैक्शन लिखने के पहले टोटल चाहिए। टोटल कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 है, 16 को नीचे लिखेंगे। कितना सर्किल है ये आपको बताना है। सर्किल है 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना हो जाएगा? 5/16, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 5/16। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन क्लास 40, 40 बच्चे हैं। इफ़ देयर फ्रैक्शन द क्लास वॉज प्रेजेंट ऑन द मंडे इज 13/40, देन हाउ मेनी चिल्ड्रेन एबसेंट ऑन दैट डे? तो देखिए कितने बच्चे आए थे, 13/40 बच्चे आपके क्या हुआ थे, स्कूल में आए थे, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेजेंट कितने थे, 31, तो यहाँ पे देखिए 40 स्टूडेंट थे, ठीक है ना। देखिए तो 40 स्टूडेंट हम निकाल लेंगे कि मंडे को कितना आया था, तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 31 मंडे को आए थे। अब टोटल कितने थे, 40, 40 में से 31 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा आपका, 9, तो 9 बच्चे एबसेंट थे। अगला क्वेश्चन नंबर 18, अमन वेंट 15 डेज ट्रिप, 15 दिन के ट्रिप पे गया। ही स्पेंट 7 डे एट मनाली। देखिए 15 टोटल कितने दिन का था, 15 डेज का। मनाली में कितने दिन रहा, मनाली में ये था 7 डेज। व्हाट द फ्रैक्शन सी स्पेंट शिमला, और बाकी दिन वो शिमला में था, तो शिमला में कितने दिन था, देखिए शिमला में कितने दिन, 15 दिन टोटल था, 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8, 8 दिन वो शिमला में था। फ्रैक्शन बताना है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 8 ऊपर लिखेंगे, टोटल दिन कितने थे, 15, तो 18/15, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ से इनकरेक्ट कौन सा, तो देखिए 90 लिखा, 4, 4 जा 16, 16 और 3 19, 19/4, ये ठीक है। 13, 2 जा 26 और एक 27, 27/2, ये भी ठीक है। 11, 3 जा 33, 33 और 1, 34/3, तो ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी। आप पता ना ये इन दोनों का मल्टीप्लाई, 11, 3 जा 33, 33 + 1 करेंगे 34 होगा, तो यहाँ पे 34, तो ये गलत लिखा है। यहाँ पे आते हैं, इसका फ्रैक्शन देखेंगे कितना लिखा हुआ है। तो पहले हम काउंट करेंगे ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 है। अब यहाँ पे देखिए शेडेड करना है, तो शेडेड कितना है, 1, 2, चलिए शेडेड है तो इसको पहले रिमूव करके फिर से इसको काउंट करते हैं। शेडेड में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/18 इतना है। अब इसको अगर मैं कट कर लूँ तो कितना आएगा, 5/9, 2 5 जै 10 और 2 9 जै 18। अब यहाँ पे आते हैं, 5/9 आना चाहिए, कहाँ पे आएगा 5/9, तो देखिए यहाँ पे देखिए 9 पार्ट है ही नहीं, इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 है, 9 लिखेंगे, कितने शेडेड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5/9, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आते हैं, इसमें कितने शेडेड नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, यहाँ पे पहले इसको काउंट करेंगे ये कितना है, तो काउंट करते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितने हैं, 20, 20 लिखेंगे। कितने शेडेड नहीं है, तो देखिए शेडेड नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये दोनों मिला के 14, तो कितना हो जाएगा, 14/20। अब देखिए 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 10 जा 20, तो 7/10, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला, इनकी वैल्यू आपको बतानी है कितना होगा, तो देखिए जब हम वैल्यू बताएंगे तो देखिए 27, 9, 27, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 27, आप 27 नीचे लिख लीजिए, ऊपर कितना है, 4, 4 लिख लीजिए। 27 के टेबल में 27 कब आता है, एक बार में आता, तो एक की मल्टीप्लाई, यहाँ इसको ब्रैकेट बंद कर दिए, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिए, 10 लिखा है, 10 लिखिए, 9, 3 जा 27, तो 9 के टेबल में 27 कब है, 9, 3 जा, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई होगी, फिर यहाँ पे प्लस, उसके बाद 20 ऊपर के लिए 32, 27 के टेबल में कितनी बार आता है, 1 टाइम, तो 32/1, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4+30+32/27, तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 3 3 6/27। अब देखिए 27 को इसको कट कर लेंगे, ठीक है, 2 से कट कर लेंगे, 3 से कट कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3, 9 जा 27, तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 देखिए यहाँ पे लिखेंगे, 9 2 जा 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो कितना हो जाएगा, 22/9, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 पे देखिए क्या है कि यहाँ आपको इसमें बताना है कि स्टार की वैल्यू क्या है। तो स्टार को हम सॉल्व करते हैं, एक्स अपॉन फाइव माइनस टेन, वन जाए टेन और कितना हो जाएगा 13/10, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/10। अब यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन फाइव है, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1/10 प्लस 13/10, तो कितना हो जाएगा 13 और एक 14, 14/10। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x अपॉन फाइव इक्वल टू 14/10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/10 इंटू फाइव, तो फाइव से टू कट जाएगा, फाइव टू जा टेन, टू सेवन जा 14, तो x बराबर कितना आ गया 7, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। यहाँ पे क्या लिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हाफ ऑफ द फिगर शेडेड, तो कौन सा इसमें हाफ नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए पहले इसको हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, कितने हैं 1, 2, 3, 4, 4 है, तो इसको कट कर लेंगे, 1/2 आ जाएगा, 4 1 जाए 4, 4 2 जाए 8। अब यहाँ पे करेंगे, देखिए इसको ऐसे ही हम कर लेते हैं, ठीक है, चार पार्ट। अब इसमें देखिए ये हाफ है कि नहीं है, तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है, कितने शेडेड हैं 1, 2, 3, 4, 4/8, तो ये भी हो जाएगा 1/2। यहाँ पे आते हैं 1, 2, 3, 4, और ये भी 8 है, तो 8 और 4 शेडेड 1/2, ये भी आधा है, तो आधा कौन सा नहीं होगा, ये D नहीं होगा। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 आएगा ऊपर और नीचे 8 आएगा, तो क्या ये आधा है, आधा नहीं है, ये कटेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा D, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, देयर आर 4500 मेल्स, 4500 मेल हैं और 2500 फीमेल हैं स्टेडियम में, फिर कह रहा है 2 घंटे के बाद 4/10 फीमेल क्या होता है स्टेडियम से चली जाती हैं। तो देखिए 2500 4/10 चली जाती हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, 254 से कितना 1000, तो 1000 फीमेल चली गई, तो बची कितनी, इतनी थी तो 1000 इसमें से चली गई, तो कितनी बची 1500 फीमेल अभी यहाँ पे बची हुई हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन्स वर इन द स्टेडियम आफ्टर 2 आवर, तो 2 घंटे के बाद कितने बचेंगे। तो देखिए 4500 कितने थे आपके, यहाँ पे तो मेल थे इतने, ये तो स्टेडियम में थे, लेकिन इतनी महिलाएं चली गई, 1000 महिलाएं चली गई, तो बची कितनी 1500 ऐड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 0006000 लोग अभी भी स्टेडियम में हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए फाइंड द डिफरेंस में 1/4 / 138, तो डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस हम निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं कैसे। 1/4 लिखेंगे, 1/4 निकालेंगे 3 2 8 का, तो 4 8 32 और 4 2 8, तो कितना आ गया 82। अब 7 से इसको कट कर लेंगे, 7 2 14, 7 1 7, 21, 28 में से ये माइनस करेंगे, तो 2 में से 1 जाएगा 1, 2 में से 6, कितना आ जाएगा 61। अगला है 27, पूजा है 45 केक थे इसके पास, C8 5 ऑफ देम, 5 इसने इसमें से खा लिए, तो कितने बचे 40। सी गिव 5 केक टू ऑफ ईच ऑफ हर फ्रेंड, तो 3 फ्रेंड को इसने क्या दिया 5 केक दिए, तो 5 × 3 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 15, तो 15 इसमें से माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 25 केक अभी इसके पास बचे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रैक्शन उसके पास कितने बचे, तो 25 बचे हुए थे, कितने से 45 से, तो इसको कट कर लेंगे, 5 5 25, 5 9 45, 5/9, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका 5/9। अगला 4/7 कौन सा पार्ट है इसमें, देखिए शेडेड पोर्शन बताना है, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा, कितने हैं 1 2 3 3 हो जाएगा शेडेड, तो ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ पे आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हैं और इसमें 5 हैं, 2 2 4 1 5, ये भी नहीं है इसका आंसर। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 8 हो जाएगा, तो 8 ऊपर है और यहाँ पे 4 है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है टोटल, कितने शेडेड हैं 1 2 3 4, 4/7, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है कि यहाँ पे मिसिंग वैल्यू निकालना है आपको, कैसे 5 2 10, 10 और 1 11/5, 5 1 5 और 3 कितना हो जाएगा 8/5 इक्वल टू 3 + x, तो देखिए ये डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं दोनों ऐड हो जाएंगे, 11 और कितना होता है 19/5 हो जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा 3, इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा, तो देखिए 19। और देखिए ऐसे क्वेश्चन को जब इसके नीचे 1 लिखा रहता है तो आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 3 15 15/5, तो कितना आ जाएगा
19 से 15 जाएगा तो बचेगा 4, 4 बाई 5, इसका आंसर आ जाएगा 4 बाई 5, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं शेडेड फ्रैक्शन, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो शेडेड फ्रैक्शन है इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है तो टोटल 8 हमने लिख दिया। कितने शेडेड हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। माइनस करना है इसमें से कितने हैं, टोटल 1, 2, 3, 3 हैं और कितना शेडेड है, 1 शेडेड। अब देखिए इन दोनों को माइनस करना है, कैसे माइनस करेंगे, इसको पहले कट कर लेते हैं। 4 × 4, 4 × 2 = 8, तो 1/2 - 1/3। अब देखिए इसको करने का 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। 2 ऊपर 1 लिखा है, 2 के टेबल में 6 के बाद 2 3 जाए, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई, माइनस करने माइनस लगाएंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 - 2 1 जा 2 और यहाँ पे 6, तो कितना हो जाएगा, 1/6। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन आज पढ़ लिया और अभी भी 15 क्वेश्चन इसमें हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और साथ ही साथ देखिए वीडियो आपको देख के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये मेरा देखिए QR कोड है, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे स्कैन करके पे करके हेल्प कर सकते हैं। जो भी आप 1 रुपये, 2 रुपये जो भी भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।